सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। मैं आपको गले का डिजाइन बनाना बता रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम ली हुई है और ये आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी जिससे हम सिलाई का सामान खरीदते हैं। और इसकी चौड़ाई मैंने डबल करके, आप 5 इंच रख सकते हैं इसकी चौड़ाई, और लंबाई आप इसकी 9 इंच 9.5 इंच रख सकते हैं। और इस डिजाइन को आप ब्लाउज के पीछे गले में और कुर्ती पर, सूट पर, आगे की साइड कहीं भी बना सकते हैं। तो अब हम इसके लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर लगाएं, और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर लगाएं। मैंने 3 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है। और अब हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई आप इसकी 7 इंच से 7.5 इंच तक रख सकते हैं। तो मैं इसकी लंबाई 7.5 इंच रख रही हूँ। और अब इन दोनों निशानों को, यहां भी हम 3 इंच का एक इस तरह से निशान लगाएंगे, लाइन खींच देंगे, और इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। और अब हम इसको थोड़ी वी शेप देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम देखिए 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से पूरे गले पर निशान लगाते चले जाएंगे। और देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इनकी कटिंग कर देंगे। और मैंने ये पेपर पेस्टिंग वाले बुकरम किस लिए लिए है, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप इसकी जगह सिंपल बुकरम भी ले सकते हैं, जैसे हम हमेशा अपने गले में लगाते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमारा गला कुछ इस शेप में कटता है। और इसके बाद हम अपनी जो हमारी कुर्ती है या हमारा जो हमें ब्लाउज बनाना है, जो जिस पर भी आपको ये गला बनाना है, वो हम कपड़ा लेंगे और एक साइड से इसमें थोड़ी साइनिंग होती है, तो जिधर इसमें साइनिंग होती है उस साइड से आप इस तरह से रखिए इस पर कपड़े के ऊपर, और ये सीधी साइड कपड़े के बाहर होनी चाहिए, और आप इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए तो ये इसके ऊपर कपड़े के ऊपर चिपक जाएगा। और अगर आपके पास ये पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो आप इस तरह से रख के ऐसे बड़े करके सिलाई लगा दीजिए, यानी इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा दीजिए। ये मैंने इसको प्रेस से इसके कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। और अब हम थोड़ा बाहर बाहर से गले के शेप में इसकी कटिंग करते हैं कपड़े की। और इसके बाद हम इसको देखिए उल्टी साइड से इस तरह से हम फोल्ड करते हैं, बिल्कुल बीच में से हम इसको फोल्ड करेंगे और बीच में इस तरह से एक लाइन बना के बीच में निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे छोटा सा। और इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको उल्टी साइड से मैंने फोल्ड किया हुआ है बीच में से, और उस पर भी बीच में इस तरह से हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए इस लाइन को और कुर्ती की लाइन को, और ये जो मैंने कट लगाया इनको आपस में मिलाते हैं, और यहाँ पर एक बड़ी सिलाई लगा देंगे कर बीच में, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए, बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में गले के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए, गले पर ये चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इस तरह से गले की कटिंग कर देंगे। देखिए, कटिंग के बाद हम एक छोटा सा कट यहाँ पर बीच में लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और चाहे तो बीच बीच में भी आप एक दो कट लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारी जो बुकरम है काफी बारीक है। उसके बाद
हम अपने गले को इस तरह से सीधी तरफ को पलट लेंगे। इस तरह सीधी तरफ को पलटने के बाद हम इस गले के किनारे किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए ये गले पर इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ चारों तरफ को अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ से गला है इसको इस तरह से हम अंदर को मोड़ेंगे और हमें जो सिलाई अब लगानी है वो सिलाई हम किनारे पर नहीं लगाएंगे, किनारे से थोड़ा हटके लगाएंगे इस तरह से। कि इसके बाद जैसे मैंने बताया है इसको हम अंदर को मोड़ते हुए बुकरम तक इसकी किनारे से थोड़ी हटके हम सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सफाई से आप ये सिलाई लगाएं। कि जो हमारे गले के नीचे वी शेप है उसको हम किस तरह से मोड़ते हैं, पहले एक साइड का इस तरह से मोड़ेंगे कपड़ा, फिर दूसरी साइड का, तो ये हमारी यहाँ पर ये बिल्कुल सही शेप आ जाएगी हमारी, ये जो नोक बनी हुई है इसकी, और उस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से मशीन को हम इस तरह उठा के इस पे तब सिलाई लगाएंगे। देखिए ये इस तरह से हमारा गला इस तरह से बनता है। देखिए गला बनाने के बाद हम डोरी बनाते हैं, किसी भी दूसरे कलर की आप डोरी बना लीजिए और कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी पसंद का रखिए, और उससे मैं आपको डेकोरेटिव बटन बनाकर वो उसको हम गले पर लगाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा नहीं है यानी आप और ये पट्टी नहीं काट सकते तो ये जो आपको मैं बटन बनाने बताऊंगी ये आप सीधी पट्टी काटकर और उसको सीधा करके जैसे हमने डोरी सीधी की है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर ये बटन बनाने की एक वीडियो डाली हुई है लेकिन इसमें मैं थोड़ा आपको डिफरेंट बताऊंगी। और आपको जितने बड़े बटन बनाने हैं उतनी बड़ी आपको डोरी लेनी है, अगर आपको छोटे बटन बनाने हैं तो छोटी डोरी लेनी है और अगर बड़े बटन बनाने हैं तो आपको बड़ी डोरी लेनी है। तो ये मैंने करीब 31 इंच की ये मेरी डोरी है और आप जितने बटन बनाएं आप उतने ही डोरी आपको बनानी है और सबकी लंबाई आपको बराबर रखनी है। इसके बाद हम धागा लेंगे कुर्ती के कलर का और इसको डबल करके हमने सुई में डाला हुआ है और सबसे पहले हम डोरी के एक कोने को इस तरह से सुई से इसको अंदर दबाते हुए सील देंगे। दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। देखिए इसको सिलने के बाद हम धागे को और सुई को यहीं पर छोड़ देंगे और इसको डोरी को पूरी डोरी को धीरे धीरे इस तरह से रोल करते जाएंगे। और हमारे ये रोल थोड़े हमें ध्यान से रोल करने हैं क्योंकि ये हमारे रोल उतर जाते हैं अगर ज्यादा बड़े बटन हम बना रहे हैं, छोटे बटन में इतनी दिक्कत नहीं होती तो हमें इसको थोड़ा सा पकड़ के रखना है। देखिए ये हमारी पूरी डोरी रोल हो गई है और ये हमने धागा बीच में ही छोड़ दिया था इस धागे को, और अब हम ये इसको अंदर को डोरी का ये सिरा अंदर को इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहां पर छोटे छोटे दो तीन टाके लगाएंगे। केवल ऊपर वाली डोरी का हिस्सा हमें सिलना है इस तरह से, और यहां सिलने के बाद देखिए हम बीच में से उल्टी साइड से ऐसे सुई निकालेंगे और इसके ऊपर से दोबारा से यहीं से हम फिर बीच में से सुई निकालेंगे। यहां से हम कहीं से भी सुई निकालते हैं तो बहुत आराम से सुई निकल जाएगी क्योंकि इसकी डोरी की हमारी लेयर बनी हुई है और आराम से सुई निकल जाती है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से टाइट करेंगे और आप दो तीन बार इस पर इस तरह से कर दीजिए, धागे को दो तीन बार घुमा दीजिए। थोड़ा टाइट कर देंगे और फिर इतनी जगह छोड़ के फिर हम बीच में से ही सुई निकालेंगे उल्टी साइड से, और इसको भी हम टाइट कर देंगे इस तरह से, और दो तीन बार इसके ऊपर भी हम इसी तरह से टाके लगाएंगे।
देखिए जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी पर हम जैसे अब यहाँ पर इस तरह से इसको धागे को लेते हुए फिर पीछे से इसी तरह से सुई निकालेंगे, ये इसमें पत्तियां सी बनती चली जाएंगी और इस तरह से ऊपर से इनमें ये उभार से आते चले जाएंगे और ये एक फ्लावर की शेप भी ले लेगा और इसी तरह पूरे इस रोल पर हमें इसी तरह से धागे से ये डिजाइन बनाना है। और देखिए इस तरह से ये हमारा बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर ये हमारा बटन तैयार हो गया है और इसको फिर हम उल्टी तरफ ले जाकर इसे पक्का करके धागा काट देंगे। देखिए ये लेस है, इसको हम गले पर लगाएंगे और आप इसको थोड़ी ज्यादा ले लें, यानी जितनी हमारे गले पर लेस लगेगी उससे थोड़ी ज्यादा ले लें और इसी में से हमें देखिए मोती निकालकर ये गोल्डन कलर के हम मोती निकाल के इसी में से हम अपने हमने जो फैब्रिक ये बनाए हैं फ्लावर इनके ऊपर हम इसको लगाएंगे जी। और फिर एक एक पत्ती के ऊपर आप इसको लगा दीजिए तो ये हमारी बिल्कुल लेस के साथ हमारी मैचिंग हो जाएगी इसकी। देखिए इस तरह से ये हमारे बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव फ्लावर तैयार हो गए हैं और आप इनको डेकोरेटिव बटन भी बोल सकते हैं और आप इनको फ्लावर भी बोल सकते हैं। और अब मैं आपको इनको गले के ऊपर लगाना बताऊंगी। और देखिए सबसे पहले हम अपने गले के बिल्कुल बीच में निशान लगाएंगे, ये हमारा गले का बीच का हिस्सा है और ये हमारी जो पट्टी है बिल्कुल बीच में हम सबसे पहले यहाँ पर हम अपना वो बटन लगाएंगे और फिर उसी को हम सेंटर मानते हुए इधर भी और इधर भी बराबर बराबर दूरी पर हम ये बटन लगाएंगे। तो इसको हम देखिए बिल्कुल बीच में पहले इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बीच में इसको रखने के बाद हम सुई लेते हैं, उसमें धागा डाला हुआ है मैंने डबल करके और इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा हम नीचे अपनी कुर्ती का लेंगे और केवल नीचे नीचे की इसके हिस्से पर हम इस तरह से चारों तरफ को छोटे छोटे इस तरह से टाके लगाते चले जाएंगे और ये बहुत आसानी से ये लग जाता है। इसको चारों तरफ से हम इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए हमारा ये बटन बहुत ही आसानी से बहुत ही मजबूती से और बहुत ही सफाई से बड़े आराम से लग गया है और इसके बाद हम इसको नीचे की साइड धागे को पक्का कर देंगे और सारे बटन हमें इसी तरह से लगाने हैं। और देखिए ये मैंने इसके ऊपर गले के सारे फ्लावर लगा दिए हैं और अब मैं आपको इसके ऊपर लेस लगाकर बताऊंगी। अब हम लेस लगाएंगे, या तो आप अगर आप सिलने से पहले यानी कपड़ा कंप्लीट करने से पहले लेस लगाना चाहते हैं तो आप ऊपर की साइड से दो तीन मोती निकाल दीजिए जिससे यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें ऊपर तीरा सिलने में आसानी हो जाएगी और हमारी मशीन आराम से चल जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आपका कपड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तब आप ये लेस लगाएं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम क्यों लगाई है, तो मैंने केवल इसलिए लगाई है अगर यहाँ पर हम मोटे बुकरम लगाते हैं तो देखिए हमें सुई में क्योंकि हमें सुई से लगानी है तो हमें इसको सिलने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये बारीक वाली बुकरम लगाई है। और देखिए ये मैंने थोड़ी दूरी पर ये सिलाई जो लगवाई थी केवल इसीलिए लगवाई थी, ये हमारी जो लेस का ये हिस्सा है इसको हम इसके अंदर करते जाएंगे और इसको हम इस तरह से ऊपर की साइड थोड़े छोटे टाके दिखने चाहिए और इस तरह से हम इसको पूरे गले पर लगाते चले जाएंगे। ये एक साइड की हमारी लेस लग गई है और सेम तरीके से हमें ये गले के बाहर की साइड लगानी है, ये हिस्सा हमें अंदर रखना है और इसी तरह से हमें सुई से ये छोटे छोटे टाके लगाते हुए यहाँ पर भी इसी तरह से लेस लगानी है। ये हमारा गला तैयार हो गया है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
one, 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 one,